हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होल्ड करेंगे फॉर वेलकम टू डॉक्टर डॉक्टर वंस अगेन। तो आज मैं एक फिर से प्रॉब्लम आई है, रिक्वेस्ट आई है कि यूएसबी कनेक्शन दिखा रहा है फ़ोन एंड्रॉयड में कि आपका यूएसबी कनेक्टेड नहीं भी है, मतलब चार्जिंग वायर आपने नहीं लगाई, फिर भी फ़ोन शो करता है कि इसमें चार्जर लगा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट करी एंड इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, ऑलमोस्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और क्या है सोल्यूशन, कैसे इससे निपटा जाए, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर हम नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल पे लाते हैं हम ड्रोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड टेक दैट वी यूज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपकी वजह से हमारे 12,000 सब्सक्राइबर्स हमने क्रॉस कर लिए हैं। तो इसी तरह आपका साथ चाहिए और हमारा चैनल भी फ्लाई करेगा थोड़ी देर में, एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम आती है आपकी कि चार्जिंग दिखा रहा है आपका फ़ोन और चार्जर कनेक्ट नहीं है, तो उसके कारण दो ही हैं, या तो हार्डवेयर इशू है या सॉफ्टवेयर इशू है। तो हार्डवेयर इशू को तो आप अपने आप सॉल्व कर नहीं सकते हैं, उसके लिए डेफिनेटली आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, तो उसकी हम बात करेंगे नहीं। ये आपको कैसे पता लगेगा हार्डवेयर इशू है या नहीं, वो तब पता लगेगा जब आप सॉफ्टवेयर वाले जो मैं सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ आप फॉलो कर लेंगे, उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वैसे हो जानी चाहिए, अगर हो जाती है तो दैट मीन्स कि आपके में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी, और अगर उससे भी नहीं होती है तो डेफिनेटली आपका हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला सोल्यूशन है सेफ मोड, इसका मैंने आपको पहले बताया सेफ मोड आपके लिए रामबाण है। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है सेफ मोड वाला, मैंने ऊपर कार्ड्स में दे दिया, जाके देख लें, प्लेलिस्ट के अंदर भी है कैसे उसको करना, पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। सेफ मोड में ऑन करें और फिर सेफ मोड में चार्जिंग पे लगाएं फ़ोन को। सेफ मोड आजकल हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में अवेलेबल है, और उस मोड में अगर आपका फ़ोन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि ऑटोमेटिकली नहीं दिखा रहा यूएसबी चार्जिंग, तो दैट मीन्स आपके फ़ोन में कोई, या तो कोई ऐप है जो उसको गड़बड़ कर रही है, कोई बग है, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि सेफ मोड में अगर सही चल रहा है तो दैट मीन्स समथिंग, कोई आपने ऐसी डाउनलोड कर लिया चीज़ या एप्लीकेशन, वो आपको फिर याद करना पड़ेगा कौन सी थी, वो याद करें और उसको डिलीट मार दें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको याद नहीं आ रहा है कौन सी ऐप थी जिससे प्रॉब्लम आ रहा है, आप बिल्कुल भूल चुके हैं, या आपने कोई ऐसी ऐप करी नहीं है तो गलती से कुछ सॉफ्टवेयर का बग आ गया उसमें, तब क्या सोल्यूशन है, तब दूसरा सोल्यूशन है कि आप उसको फैक्ट्री रीसेट करें। और जब फैक्ट्री रीसेट करें तो अपना डाटा, फोटोज, वीडियोज वगैरह अलग से सेव कर लें, क्योंकि फैक्ट्री रीसेट जब होगा तो बिल्कुल पहले की तरह फ़ोन हो जाएगा, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन है, ये तब करना है आपने अगर आपको याद नहीं है कि आपने ऐसी कौन सी ऐप डाल ली है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सेकेंड ऑप्शन है आपका दिस वन। फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको एक और सोल्यूशन बताऊंगा, अगर सेफ मोड में आपका प्रॉब्लम आ रही है, अगेन इट इज़ शोइंग कि कनेक्टेड है और कनेक्टेड नहीं है, तब आपका सोल्यूशन है कि आपका चार्जिंग पोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, वो साफ़ नहीं है, उसमें डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स फंसे हुए हैं। एक अपना लें जो होती है आपकी एयर बड, उसको हल्के से उसको साफ करते हैं वहाँ से, या एक सुई का दूसरा पॉइंटेड एरिया ना लेके दूसरी साइड से उसको अंदर चार्जिंग पोर्ट में ले जाएं और धीरे धीरे उसको साफ कर लें। ये करेंगे तो ये जो अगर ये प्रॉब्लम डस्ट पार्टिकल्स करके आ रही थी तो वो सॉल्व हो जाएगी। और इन सब से अगर का काम नहीं बनता है तो डेफिनेटली आपका चार्जिंग पोर्ट खराब हो चुका है, जाके उसको रिप्लेस करवाएं। तो ये था सोल्यूशन आपके चार्जिंग पोर्ट की प्रॉब्लम का। होप आपको लग गया होगा पता, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि सोल्यूशन है ये प्रॉब्लम, काफ़ी लोग फेस करते हैं, मैंने भी कई बार फेस किया और फिर मैंने उसको सॉल्व किया इस तरह से, तो उसका उसी बेसिस के ऊपर आपको बता रहे हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर रखें आपकी और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसका आप सोल्यूशन जानना चाहते हैं, डेफिनेटली इस वीडियो इस चैनल पे आपको वो सोल्यूशन मिलेगा।
एंड इसके अलावा अगर आप अनबॉक्सिंग्स और ड्रोन्स में इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियोस भी आते हैं, मतलब एक दो दिन में टेक का वीडियो आता है, एक दो दिन में ड्रोन का वीडियो आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन. थैंक यू वेरी मच. जय माता दी.